हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आईआईटी कॉलेज का कटअप बताने वाला हूँ। अगर आपका मार्क्स इस मार्क्स के अप्रोक्स में रहेगा तो आपको वहाँ पे सीएससी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ सीएससी ब्रांच का बताऊँगा आपको। अगर इतना मार्क्स रहेगा तो वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और मैं सारे कैटेगरी का बताऊँगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से करते हो या फिर एससी एसटी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पहला आईआईटी है वो आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली का आप कटअप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 273 मार्क्स रहने चाहिए इस साल। 273 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपको यहाँ पे सीएससी ब्रांच अलॉट हो जाएंगे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख सकते हैं आपको 225 मार्क्स रहना चाहिए। और ओबीसी का देख सकते हैं 211 मार्क्स रहना चाहिए। एससी का देख सकते हैं 190 मार्क्स रहना चाहिए। और एसटी के लिए जो है 180 मार्क्स रहना चाहिए आपको। तो चलिए हमारा नेक्स्ट आईआईटी आता है, वो आईआईटी बॉम्बे आता है। आईआईटी बॉम्बे का आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 281 मार्क्स रहना चाहिए यहाँ पर सीएससी के लिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 249 मार्क्स रहना चाहिए। और ओबीसी के लिए जो है वो 235 मार्क्स रहना चाहिए। और एससी के लिए 195 रहना चाहिए। और एसटी के लिए 190 मार्क्स रहना चाहिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आईआईटी मद्रास आता है। आईआईटी मद्रास का देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 255 मार्क्स रहना चाहिए सीएससी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 215 मार्क्स रहना चाहिए। और ओबीसी के लिए जो है वह 210 मार्क्स रहना चाहिए, 210। और एससी के लिए 172 रहना चाहिए। और एसटी के लिए 170 रहना चाहिए मार्क्स। चलिए हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो आईआईटी खड़गपुर आता है। आईआईटी खड़गपुर का देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 240 मार्क्स रहना चाहिए सीएससी के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 206 मार्क्स रहना चाहिए। और ओबीसी के लिए 191 मार्क्स रहना चाहिए। और एससी के लिए 158 रहना चाहिए। और एसटी के लिए 155 मार्क्स रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो आईआईटी कानपुर आता है। आईआईटी कानपुर का देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो है 249 मार्क्स रहना चाहिए सीएससी के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 209 मार्क्स रहना चाहिए। और ओबीसी के लिए जो है 194 मार्क्स रहना चाहिए। और एससी के लिए 156 मार्क्स रहना चाहिए। और एसटी के लिए 153 मार्क्स रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आईआईटी गुवाहाटी आता है। आईआईटी गुवाहाटी का देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 210 मार्क्स रहना चाहिए आपको सीएससी ब्रांच के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 183 मार्क्स रहना चाहिए। और ओबीसी के लिए जो है 167 मार्क्स के अप्रोक्स रहना चाहिए। और एससी के लिए जो है 130 मार्क्स के अप्रोक्स रहना चाहिए। और एसटी के लिए 125 मार्क्स। चलिए हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आईआईटी रुड़की आता है। आईआईटी रुड़की का देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो है 225 मार्क्स रहना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 194 मार्क्स रहना चाहिए। और ओबीसी के लिए जो है 185 मार्क्स रहना चाहिए। और एससी के लिए 109 मार्क्स रहना चाहिए। और एसटी के लिए जो है 102 मार्क्स रहना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय गाइज़।